हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की हमारी जो बुक है जेनर फिक्शन नाम की। जेनर एक इलेक्टिव का ये सब्जेक्ट है। अगर आप सेमेस्टर फर्स्ट में हो या फिर थर्ड में हो या फिर आप फिफ्थ में हो, अगर आपके पास बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम से हो, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम धीरे धीरे एक एक करके आपकी बुक के सारे चैप्टर्स को कवर करने जा रहे हैं। हमने इसके ऑलरेडी दो यूनिट्स कवर कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाके आप एक एक करके दोनों यूनिट्स को वॉच कर सकते हो। और आज हम करने जा रहे हैं इसकी यूनिट नंबर थर्ड, जो फाइनल लास्ट यूनिट है वो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लास्ट यूनिट स्टार्ट करें उससे पहले बता दूँ कि अगर किसी को भी नोट्स बाय करने हैं, सॉफ्ट कॉपी यही नोट्स परचेज करने हैं, तो आप बाय कर सकते हो। नीचे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स की सॉफ्ट कॉपी PDF को खरीद सकते हो। अब ये आप देख सकते हो, ये थर्ड यूनिट है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट के अंदर बेसिकली जो है दो चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला नाम है इब्न ए साफ़ी, हाउस ऑफ फियर। दूसरा हम पढ़ेंगे मधुलिखा लेडल के द्वारा लिखा गया क्रिम्सन सिटी। दो चैप्टर हैं, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड का थर्ड चैप्टर, फिर हम फोर्थ चैप्टर, दोनों एक ही इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, एक ही लेक्चर में दोनों यूनिट्स के, इसी यूनिट के दोनों चैप्टर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यूनिट नंबर के थर्ड के चैप्टर नंबर वन पे, जिसका नाम है हाउस ऑफ फियर। हाउस ऑफ फियर जो है इब्न ए साफ़ी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये जो राइटर है ना, इब्न ए साफ़ी, ये बॉर्न हुए थे जुलाई 26, 1928 को, एक विलेज है नारा अलाहाबाद में, डिस्ट्रिक्ट यूपी इंडिया। तो इनमें इनका जन्म हुआ था। इनका जो रियल नेम है वो असरार अहमद है। ये एक तरह के मुस्लिम राइटर हैं, और आगे लिखा है बट लेटर ही कम टू बी ए इब्न साफ़ी। बाद में इनका नाम जो है वो इब्न साफ़ी के नाम से जाना जाने लगा है। ही रिसीव्ड ए बैचलर डिग्री फ्रॉम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट्स में कंप्लीट करी है। आफ्टर पार्टीशन ही बिगेन राइटिंग नॉवल्स एंड द वर्किंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर एंड कंटिन्यूइंग पार्ट टाइम स्टडीज़। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना सेकेंडरी स्कूल टीचर्स वगैरह की भी काम करा हुआ है, और यहाँ पर ये अपनी कंटिन्यूस स्टडीज़ वगैरह भी कर रहे हैं। आगे लिखा लेटर हिम फैमिली माइग्रेट टू कराची एंड स्टार्टेड टू आउन पब्लिकेशंस द नेम इजरार। इन्होंने इजरार नाम से खुद की एक दुकान जो है पब्लिकेशन भी खोली थी। इन्होंने काफ़ी सारी नॉवेल्स लिखी हैं, जिसमें से एक का नाम है जासूसी दुनिया, दूसरी सीरीज़ है वो है इमरान सीरीज़। 1970s के अंदर ये सीरीज़ पब्लिश करी गई थी, जो कि एक इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की एक डिटेक्शन सीरीज़ थी। इब्न साफ़ी ऑल्सो इन्होंने कुछ जो है फिल्म वगैरह भी डायरेक्ट करी हुई है, बट इन्होंने बुक्स ज़्यादातर लिखी है, जिसमें से फिल्म वगैरह है धमाका, बेस्ड ऑन द नॉवल बेबाकोन की तलाश इनकी एक नॉवल है, जिसमें इन्होंने धमाका रोल के बारे में बताया। तो उसमें दो इन्होंने नॉवल लिखी थी अलग अलग। इनको कैंसर था, पैनिक अटैक की वजह से, कैंसर की वजह से इनकी जो मौत है वो 26 जुलाई 1980 कराची में हो गई थी। तो इनकी एक सीरीज़ है, स्टोरी है, जिसका नाम है द हाउस ऑफ फियर। आज हम ये रीड करने वाले हैं। ये एक थ्रिलिंग नॉवल है, जो कि इमरान अली द्वारा लिखा गया है, बहुत ही प्रसिद्ध है उर्दू में, जिसको हम इब्न साफ़ी बोलते हैं नाम से बंदे को। आगे लिखा है ये जो नॉवल है ट्रांसलेट हुआ था बिलाल तनवीर द्वारा। ये पब्लिश करी गई थी विंटेज बुक्स 2016 के अंदर। ये नॉवल जो है ग्रेट इंडिया एडिशन के अंदर भी आती है, जहाँ पर इमरान अली सीरीज़ के अंदर एक एक्सीलेंट उर्दू क्राइम फ्रिक्शन नॉवल ही कहलाती है। ये नॉवल जो है वो रिवॉल्व है किसी के अराउंड, कुछ इमरान अली के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं जिसके अराउंड ये इर्द गिर्द बात करती है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से कुछ बड़े से घर में, मैंशंस में एक क्राइम सीन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर कुछ डर का माहौल होता है। तो वहाँ पर आगे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे चलती है, पुलिस क्या करती है, वो सारा हम स्टोरी में पढ़ेंगे। मैंशन जो है एक तरह का वेल्थ बिजनेसमैन को दिखाया गया है, कि वहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन है जो कि ख़त्म हो जाता है। उसके ख़त्म होने के बाद उसके जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो गए हैं, जो कि एक्सप्लेन भी नहीं करे जा सकते। उस घर के अंदर कुछ तो अजीब है। तो नेक्स्ट उसके आगे लिखा है द प्लॉट।
तो अब हम पढ़ेंगे उसका जो प्लॉट है वो क्या है, द प्लॉट ऑफ स्टोरी क्या है। द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम इमरान अली रिसीविंग ए कॉल फ्रॉम द सुपीरियर ऑफिसर। इमरान अली को सुपीरियर ऑफिसर से कॉल रिसीव होता है, अब वो कॉल उठाता है। वो असाइन ही में वो जो है एक असाइन करता है उसको एक इन्वेस्टिगेशन, एक टास्क देता है, हाउस ऑफ फियर के नाम से होता है। अब वो कहता है कि इमरान आपको इसके लिए एक्सेप्ट किया गया है और आप जाओगे मैंशन में और इन्वेस्टिगेशन करोगे। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने मैंशन के अंदर अपना जो ऑफिसर का कैरेक्टर है वहाँ पर निभाया है और उसी के अंदर अपना ही नाम लिया है इसरार का। आगे लिखा है ही डिस्कवर द हाउस इज फिल्ड हिडन पैसेंजर वेज एंड द सीक्रेट रूम्स। वो जो हाउस है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके अंदर बहुत सारे खोजने के लिए कमरे हैं जहाँ पर कुछ सीक्रेट रूम्स हैं, पैसेंजर रूम्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आगे लिखा है उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस और सस्पेंस टाइप के नॉवल्स वगैरह क्रिएट करे गए हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन में लिखा है एज इमरान जो है वो उस घर की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। अब वो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में अंदर आता है पता चलता है कि वहाँ पर एक मर्डर हुआ है। अब मर्डर जो है वो स्टोरी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्राइम थ्रिलर हो जाती है। अब वो यहाँ पर हर चीज़ को देखने लगता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, सारी चीज़ें वहाँ पर तोड़ फोड़ रखी है, पूरा सस्पेंस का माहौल बन जाता है। अब रीडर ना गैस करते हैं कि कल्प्रिट कौन होने वाला है, अब उसके कल्प्रिट को ढूंढ रहे होते हैं। ये गुड स्टोरी है जिसके अंदर हमें क्राइम थ्रिलर चीज़ दिखाई है। यहाँ पर दिखाया काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाते हैं। इसका पहली चीज़ तो है कि फास्ट पेस नैरेटिव जो है, हमारा जो लेखक है उसका लिखने का स्टाइल इतना अच्छा है कि उसने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से बैलेंस करके प्लेस किया है। आगे लिखा है इट कम्बाइंस एलिमेंट विद द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। इस स्टोरी को बनाने के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों तरह की स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया गया है। इसमें कुछ जनरल डिटेक्टिव फिक्शन डाले गए हैं जहाँ पर डिटेक्टिव वगैरह की बात होगी। हाउस ऑफ फियर फोकस करती है एक सेंट्रल प्रोटोगोनिस्ट, एक स्किल्ड डिटेक्टिव के ऊपर जो कि इमरान मल्टी कैरेक्टर फेस कर रहा है। तो इमरान जो है वहाँ का डिटेक्टिव रोल निभा रहा है जो कि एक शार्प माइंडेड ऑफिसर है और यहाँ पर उसके पास बहुत सारी एक्सीलेंट स्किल्स है, जिसके पास एक विलिंगनेस है जो अपनी रिस्क को सच्चाइयों के हिसाब से देखता है। आगे इसका जो कैरेक्टर बिल्ड किया है यहाँ पर लिखा है जैसा शर्लोक होम्स, हार्लिक, यहाँ पे लिखा है हरक्यूल पेरोटेट, शर्लोक होम्स जैसी नॉवल है बहुत सारी, तो इनकी अलग अलग तरह की स्टोरीज को बेस्ड करते हुए एक नॉवल को लिखा है। आगे लिखा है अमीर हाजमा इज समवन हु वेयर अ मास्क टू रिमूव द मास्क एंड द अदर सेम द इमरान हु हैज द मास्टर एंड डिस्कस एंड ईजिली ब्लेंड टू द सिचुएशन एफर्टलेसली। द चैप्टर वन इज द एक्ट लाइक ए foolish person and the forget everything and the everything fools people is expected the fizzy now he said don't try to fool me in front। देखो यहाँ पर जो स्टोरी बताई है, स्टोरी इस तरह की है कि आमिर हाजमा जो है वो एक मास्क लगा के बैठा होता है और जब घर खोला जाता है तो वो बोलता है कि मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे इरादे क्या हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है जो हमारा इमरान होता है बहुत ही चालाकी से किस तरह से उसको टैकल करता है वो स्टोरी में यहाँ पर मालूम पड़ता है। स्टोरी की जो स्ट्रेंथ है अब यहाँ पर लिखी है स्टोरी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हाउस ऑफ फियर जो है एक तरह की कैरेक्टर स्टोरी है जहाँ पर अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है और ओवर रीडिंग्स एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया गया है। आगे लिखा है यहाँ पर द कैरेक्टर एज वेल एज डेवलप्ड प्रोटोगनिस्ट इमरान अली प्रोटेड एज अ रिसोर्सफुल और इंटेलिजेंस ऑफिसर दिखाया गया है जो कभी भी हार नहीं मानता। अलग अलग चुनौतियाँ उनके सामने आती है, वो चुनौतियों को कैसे फेस करते हैं, कैसे टैकल करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। हाउस ऑफ फियर मैंशन के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स को हाइड करा गया है, छुपा के रख रखा है सीक्रेट रूम में जो कि एक सस्पेंशन का रूम है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट जॉब करते हैं और क्रीपी होता है, डरावना, एक डरावना हाउस है उसके अंदर चीज़ें छुपी हैं। यहाँ पे लिखा है एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही ज़्यादा नॉवेलिस्टिक टाइप का बनाया है। इसका प्लॉट जो है वो वेल क्राफ्ट है, क्लियर और कॉन्सिक्वेंस नैरेटिव करा गया है। स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा शांत है और रीडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ा देती है। स्टोरी को जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स हैं और यहाँ पर ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं और जिसकी वजह से स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है। एट द क्लाइमेक्स स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा वेल एग्जीक्यूटिव करा गया है, सरप्राइजिंग है, रिवील कर रखी है, अलग अलग तरह के लूज एंड्स कर रखे हैं इसके। तो इस
स्टोरी में नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं वीकनेस पॉइंट क्या है। स्टोरी का वीकनेस पॉइंट ये है कि वो ट्रांसलेट जो है वो उर्दू में करी गई है। पहली चीज़ तो स्टोरी के अंदर फ्री स्टाइल का यूज़ करा गया है, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह का यूज़ करा गया है। स्टोरी में कुछ माइनर इश्यूज़ हैं जहाँ पर स्टोरी जो है रीडिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। स्टोरी इन द कंक्लूजन कैसी है, तो स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सस्पेंस थ्रिलर नॉवल है। इस स्टोरी के अंदर जो है वो एक्सीलेंट जॉब क्रिएटिंग करी गई है। बहुत सारे एटमोसफेयर और नॉवल्स में बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स के एजेस दिखाए गए हैं। स्टोरी जो है वो बहुत ही वेल क्राफ्ट है। नॉवल काफ़ी अच्छी है जिसमें एक एक्सीलेंट उर्दू क्राइम फ्रिक्शनल नॉवल कह सकते हो, बट जो हिंदी वाले रीडर्स हैं थोड़ा उनको डिस्ट्रैक्ट करती है। स्टोरी की जो कॉपी है वो मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहती है। तो ये था भाई चैप्टर नंबर हमारा जो थर्ड की यूनिट है उसका 1। अब हम रीड करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। जैसे कि मैंने बताया था कि हम एक ही वीडियो में दोनों लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं जिसका नाम है मधुलिका लिडल क्रिम्सन सिटी। यहाँ पे क्रिम्सन सिटी है जो आर्थर मधुलिका डिलेडल इनकी, और ये जो है एक प्रोलेटिफिक शॉर्ट फ्रिक्शन और ट्रैवल विंटेज और फिल्म राइटर हैं एक तरह से, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी एजुकेशन जो है वो नई दिल्ली से ही प्राप्त करी है अपनी, जो कि 1985 में थी। आगे लिखा है कि ये कंटिन्यूड एजुकेशन अभी कर ही रही हैं, ठीक है। हाल ही में जो है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वर्क करती है, न्यूट्रिशंस वगैरह। और इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है, मुजफ्फरगंज के अंदर लिखी है। 17th सेंचुरी की एक बेस्ट बुक है जो इन्होंने लिखी है क्रिम्सन सिटी। ये जो स्टोरी है यहाँ पर लिखा है, ये पूरा का पूरा एक इमेजिनरी सेटअप है जो कि एक पास्ट स्टोरी को डिस्टेंस करता है। इस स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा डीपली चीज़ों को बताया गया है जो कि एक पीरियड और सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग समझाया जाता है। हिस्टोरिकल फ्रिक्शन स्टोरी है जिसमें हम चैलेंजेस पढ़ेंगे, जेनर पढ़ेंगे, ऑथर ने क्या क्या लिखा है। इस स्टोरी के अंदर इंटेंस रीबिल्डिंग और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर स्टोरी चलने वाली है, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन इमेजिंग स्टोरी है। आगे बताया है इस स्टोरी के अंदर मुजफ्फरगंज की कुछ सीरीज़ है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सीडेंट्स हैं, कुछ एक्सीलेंट हिस्टोरिकल फ्रिक्शंस वगैरह डाले गए हैं। स्टोरी जो है वो 17th सेंचुरी की दिल्ली यहाँ पे लिखा है शाहजहाँबाद और मुजफ्फरगंज की स्टोरी है इस नॉवल में जो लिखी है। यहाँ पर एक वैरायटी ऑफ क्राइम बताया गया है, सम माइनर एंड मोर सीरियस। कुछ ऐसे क्राइम जो बहुत ही बच्चों जैसे हैं, मतलब सीरियस क्राइम है मगर छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ऐसा। और उसके बाद आगे लिखा गया है कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को यहाँ पर क्राइम थ्रिलर सेट मॉडर्न टाइम्स की स्टोरी भी बोला गया है। ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी मर्डर्स के ऊपर प्लान्ड है, दिल्ली के मुगल टाइम्स के अंदर जो औरंगजेब वगैरह थे तो उनके टाइम की थोड़ी स्टोरी है, पुरानी है। आगे लिखा है ये जो स्टोरी है ये डिफ़िकल्ट वगैरह उनके बेसिक जैनर और बुक्स वगैरह के ऊपर बेस्ड है। स्टोरी जो है पूरी की पूरी मृदुका लिटल ने जो लिखी है क्राइम सिटी, यहाँ पे लिखी है क्रिम्सन सिटी डज नॉट लेट टू डाउन द फ्रंट ऑफ द क्राइम थ्रिलर आर्थिक एंटिश के। यहाँ पे लिखा है इट इज़ द मुगल एरा। ये मुगल एरा की स्टोरी है जहाँ पर पूरा क्राइम थ्रिलर स्टोरी है। यहाँ पर इसका प्लॉट क्या है स्टोरी का, बेसिकली ये स्टोरी जो है एक रिसेंट बुक में छापी गई थी जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। वो एक इनकाउंटर सबड्यूड स्टोरी है मुजफ्फरगंज की। दिल्ली में जब वो रहती थी तो अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं स्टोरी में, कि कुछ मंथ पहले उनकी अभी शादी हुई थी एक सा उनका हस्बैंड वगैरह था। अब ये जो स्टोरी है उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी एग्जिस्टेंस करती है। इस स्टोरी के अंदर आगे बताया गया है कि किस तरह से टाइम जब आगे बीतता रहता है कुछ कुछ इवेंट हैपन्स होते रहते हैं, फिर उसी का इम्पैक्ट जो है वो उनकी लाइफ पर क्या पड़ता है, उनको किस तरह से डिस्टर्ब करता है, अनरिलेटेड किलिंग ऑफ द डिसअपीयरेंस शेक ऑफ द सिटी, और किस तरह से उसकी सच्चाई जो मर्डर मिस्ट्री है वो सामने आती है। मुजफ्फरगंज के अंदर फैंटास्टिक डेथ जो होती है वहाँ पर जो इन्वॉल्व है, हेजिटेशंस हैं और बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, फिर वो सारे के सारे मिलके साहेब और उसकी बहन भाई को किस तरह से फिगर आउट करते हैं, फाइंड करते हैं, वो स्टोरी की प्लॉट में लिखा है। मुजफ्फरगंज में रिसॉल्व करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है जहाँ पर लिखा है कुछ काफ़ी डिडक्शन एंड इंटेलिजेंस की बातें होती हैं। फिर यहाँ पर जो इनसाइटफुल देखा जाता है कन्वर्जेशन वो जो है अपने एक फ्रेंड से करती है जिसका नाम होता है अक्रम। अब यहाँ पर लिखा है आर्थर लीव्स मैनी हिंट, आर्थर बहुत सारी हिंट यहाँ पर छोड़ी है, जैसे कि इनसाइड जो है डिटेक्टिव थोड़ा दिमाग लगाना है, ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं वो हिसाब लगाना है। तो ये जो स्टोरी है
अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं, इस स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर नहीं है, स्टोरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर्स बताए हैं। स्पोक्स हैं, पहले तो कौन बोल रहा है, कौन उसमें डबिंग कर रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है, कौन उसमें खोज रहा है। ये जो स्टोरी है ये डिटेल में बनाई गई थी, जिसके अंदर डेली बिजनेस वगैरह के ऊपर है, मसल स्टोरी है, और ये जो स्टोरी है इसमें एक अमेंडमेंट ग्रामर और स्ट्रक्चर एक्सीलेंट रखा है। कहने का मतलब है कि बेसिकली स्टोरी के अंदर उसकी तारीफ करी गई है पूरी, ऑल ओवर अभी तक स्टोरी यहाँ पर ये है। अब नीचे हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, सीरीज को पढ़कर क्या मिलता है, फायदा होगा या नहीं होगा। द नोवल इज आइडल फ्यूजन ऑफ डिटेक्टिव फ्रिक्शन हिस्ट्री स्टोरी अबाउट द बीइंग ऑफ द बुक इन दिस सीरीज द कैरेक्टर एंड द प्लॉट आर नॉट कम्प्लीट टू ग्रैप। इसके अंदर कोई ज़्यादा अच्छा प्लॉट डेवलप नहीं कर रखा है, कंक्लूजन में लिखा है। रीडिंग के लिए ठीक है, बट अलोन में रीडिंग करते हो तो स्टैंड अलोन नॉवल जो है वो कहला सकती है। ये जो बुक है पूरी की पूरी एक फॉल लव मुजफ्फरनगर की स्टोरी के ऊपर है, जहाँ पर कुछ कपल्स होते हैं जिनमें से हाथापाई होने की वजह से एक की मर्डर हो जाता है, उसमें स्टोरी इसके ऊपर बेस्ड है। अब जो कपल है, हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर एक सॉल्व करनी है मिस्ट्री स्टोरी, जिसके लिए कुछ पड़ोसी वगैरह है। पुरानी दिल्ली का सेटअप लिया गया है बेसिकली स्टोरी को जस्टिस करने के लिए। उसके आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर लिखी है कुछ कैरेक्टर्स इस नॉवल के जो बताए गए हैं। पहले तो ये मुजफ्फरगंज का जो कैरेक्टर सेटअप बिल्ड बिठाया है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो स्पोक पर्सन है वो पॉलिटिकल और रिलीजियन तौर पर इसको लिख रहा है। ये स्टोरी पूरी की पूरी एक गोल्डन एज की स्टोरी है, जहाँ पर एक डिटेक्टिव फिक्शन स्टोरी बनाने की कोशिश करी है। कुछ शार्प स्टोरी जैसे कि शर्लॉक होम्स वगैरह को आइडियल मांगते हुए स्टोरी को एक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी बनाने की कोशिश करी है। इस स्टोरी के अंदर जो है लक्ष्मी नारायण का जो सन्स है उसको किडनैप करने की बात होती है, जहाँ पर कुछ किडनैपिंग सीन्स भी हैं। आगे लिखा है खान साहब, इसमें कैरेक्टर है खान साहब का। खान साहब जो है वो ब्रदर इन लॉ है मुजफ्फरनगर में। खान साहब जो है इस स्टोरी के अंदर एक इन्फॉर्म अस का रोल निभा रहे हैं, जहाँ पर ये लोग क्लोजेस्ट मतलब कि एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से, फैमिली वाले हैं एक तरह से, जहाँ पर वो कोटवाल सिटी वगैरह में रहते हैं। और ये जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप होता है, किस तरह से एक्सपेक्ट है, क्राइम सीन है, स्पॉट है, और किस तरह से ये सारा अंजाम देते हैं। फिर एक कैरेक्टर इसमें लिखा है जिसका नाम है सूरज भान। सूरज भान एक तरह का जो कैरेक्टर है इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। यहाँ पर लिखा है मैन फ्रॉम द मोमेंट मुजफ्फरनगर अपॉन द चौकीदार ट्राइंग टू ओपन द लॉक एंड आदिल हाउस। यहाँ पे लिखा था चौकीदार वाइल टू बी रिकवर द सरप्राइज बट सुजान ब्रदर क्विकर देम हिन। मुजफ्फर इज द आल्सो पेयर्स ऑफ सूरज भान। मैथोलॉजी अप्रोच इज सर्चिंग द एनीथिंग मिसिंग इन आदिल हाउस। कह रहा है कि यहाँ पर एक आदिल हाउस मतलब कि आदिल जो है एक तरह का फ्रेंड का रोल निभा रहा है। जब वो उसके घर में घूमते हैं तो पुलिस वुलिस वाले जब चौकीदार उसके घर में घुसते हैं तो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती उसके घर में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वूमेन। अब देखो यहाँ पर वूमेंस की अगर बात करें तो कुछ औरतों की बात करी है कैरेक्टर्स में, जैसे पहली है अमीना बीबी। अमीना बीबी को इंट्रोड्यूस करा है, ये एक पहली वूमेन है जो कि यहाँ पर स्टोरी में यूज़ करा गया है। ये एक मर्डरर मर्चेंट आदिल की है, मतलब कि ये बाहर की कोई लेडी हो सकती है जिसने आदिल वगैरह की स्टोरी में उसका खून वगैरह से रिलेटेड कुछ कनेक्शन हो सकता है इसका। अब यहाँ पर हाउस में लिखा है हाउस ऑफ सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी। पूरे घर के अंदर कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है, मतलब कि अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी आती है शरीन। शरीन जो है वो जो वूमेन है वो एक इक्वल ही रखती है जिस तरह वो दूसरी वूमेन, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और एक कैरेक्टर आया है यहाँ पर नीलोफर का। नीलोफर जो है नीलोफर इज़ द प्रोबेबली स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम देम ऑल, बाकी सबसे थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है। इस तरह की कैरेक्टर बनाई है और यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करा है कि एक रीडर है जो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ रही है और अलग अलग तरह के जो है ऑर्नामेंटेशंस का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। आई विश वीडियो में कुछ समझ आया होगा, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये नोट्स के अंदर समरी है स्टोरी का प्लॉट और थीम और स्ट्रेंथ बताने के लिए। स्टोरी इसमें मेंशन नहीं है कि आपको स्टोरी पूरी क्या है, स्टोरी के लिए बाकी आपको बुक्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी स्टोरी बुक्स में नहीं है, सिर्फ यही चीज़ें जो मैंने आपको बताया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग। और ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो चुकी है, कोई नेक्स्ट सीरीज़ इसमें नहीं आएगी। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स बाय कर सकता है, मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स मेरे से ले सकता है व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करके। नीचे आपको जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।